हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 के जो व्हाट प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट व्हाट प्रॉब्लम क्या है, वेट करो, जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एट द स्पीड ऑफ द करंट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक मान लो यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे ये रितु की ये बोट है, ये नाव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस जो है वो कंसेप्ट कर लो। एक कंसेप्ट है डाउनस्ट्रीम और एक कंसेप्ट है आपका अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है। तो यहाँ पे देखो जब जो नाव है उसका कोई एक स्पीड है, मान लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब ये जो वाटर है वाटर का कोई फ्लो नहीं है, हर टाइम जो नदी में क्या होता है, हर टाइम वाटर फ्लो नहीं करता, तो कभी वाटर एकदम स्टील वाटर होता है, कभी वो फ्लो करता है। जब स्टील वाटर है, क्योंकि फर्स्ट केसेस में देखो आपको फाइंड करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, मतलब जो रितु की जो चाल है, नाव की जो चाल है, फाइंड रोइंग इन स्टील वाटर। तो फर्स्ट केस में हमने मान लिया जो स्टील वाटर में रितु की जो चाल है या नाव का जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर। अब ये जो यहाँ पे वाटर है वो भी हर टाइम स्टील नहीं होता, वो अब यहाँ पे जो वाटर है जो स्रोत है उसका वो जो फ्लो कर रहा है उसका जो स्पीड है हमने मान लिया वो है वाई किलोमीटर पर आवर। जैसे जो आपको फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ द करेंट, लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में आपको लिखा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट, दैट मीन्स जो आपके यहाँ पे फ्लो है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो है वाई किलोमीटर पर आवर। ये दो कंसेप्ट पहले क्लियर हुआ। अब देखो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, रितु जिस तरफ जा रही है स्रोत भी उसी तरफ है, वाटर फ्लो भी उसी तरफ हो रहा है, ठीक है। रितु जिस तरफ जा रही है वाटर फ्लो भी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये है आपका डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब क्या है, रितु जिस तरफ जा रही है जो वाटर फ्लो हो रहा है वो उल्टा, वो उसका डायरेक्शन अलग है, मान लो ये इधर जा रहा है तो ये इधर वाटर फ्लो हो रहा है, ये आपका अपस्ट्रीम। तो इस केसेस में, डाउनस्ट्रीम के केसेस में आपका स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, ये तो इसका ओरिजिनल स्पीड है एक्स, प्लस ये जो वाटर है, जो आपका वाटर वो भी उसको और उस तरफ धकेलेगा, ठीक है, वो भी तो उस तरफ है, तो वाटर का वेग भी, वाटर का स्पीड भी उसके तरफ, उसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरफ जा रहा है वाटर भी उसी तरफ उसको और धकेल दिया, दैट मीन्स उसका जो स्पीड है वो प्लस हो गया एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। अब देखो अपस्ट्रीम के केसेस में फिर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रितु इस तरफ जा रही है, पीछे की तरफ उसको खींच रहा है वाटर, क्योंकि वाटर तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस केसेस में रितु का जो यहाँ पे स्पीड है उसमें से जो आपके वाटर फ्लो होने का जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। ये दो कंसेप्ट बस आपको क्लियर करना है, डाउनस्ट्रीम में आपका स्पीड हो जाएगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम में हो जाएगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है, जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा है कि लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एंड क्या लिखा, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके। अब देखो एंड द स्पीड ऑफ करंट, क्वेश्चन में क्या लिखा है, करंट सी यू आर आर ई एट बी वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये तो हमने पहले लेट कर लिया। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक लिख लिया। अब कंसेप्ट में आ जाओ, क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट केसेस में कि 20 किलोमीटर रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम के केसेस में कह रहे कि रितु 20 किलोमीटर कवर किया 2 आवर्स में, 20 किलोमीटर कवर किया
20 किलोमीटर कितने 2 घंटे में, 2 आवर्स में। तो देखो यहाँ पे इसका जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है, एक घंटे में एक्स प्लस वाई किलोमीटर ये यहाँ पे मूव करता है, एक घंटे में एक्स प्लस वाई किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर मूव करने के लिए, 20 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगा होगा 20 किलोमीटर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला केसेस यहाँ पे मैं हटा देते हैं। क्या फॉर्मूला है टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो फर्स्ट केसेस में डाउन स्ट्रीम के केसेस में 20 किलोमीटर कवर करने के लिए फिर कितना समय लगा, डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर कवर करने, स्पीड क्या है एक्स प्लस वाई स्पीड से, तो समय लगा इतना। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि कितना समय लगा 2 आवर्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन ही तो फॉर्म करना है। वर्ड प्रॉब्लम, दैट मीन्स जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें से दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको सॉल्व करना है, यही तो यहाँ पे केस है। तो हमें तो इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन किस तरह से फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे जो हमने मान लिया उसके हिसाब से हमने निकाला, उसको समय लगा ये। अब बुक्स में एक समय हमें दे दिया कि 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करता है, सो बाय द गिवन कंडीशन फिर हम क्या लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं कि 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन फिर क्या बनेगा, देखो बुक्स में दिया है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, दैट मीन्स इस केसेस में समय क्या होगा, उसी तरह सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे तो डिस्टेंस 4 है, स्पीड x माइनस वाई है, अपस्ट्रीम का केसेस है, ये इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल आउट होके x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होके यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये आपका पास आ गया थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हो कि कर सकते हो, क्या है वो हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सबसे इजी होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, एक आपके पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आपके पास है 2, कैंसिल आउट हुआ 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, और y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे अगर किसी भी इक्वेशन में पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में पुट करोगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, दैट मीन्स 4। तो हमने क्या मान लिया था, द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर, दैट मीन्स रितु की जो चाल है वो हमने x मान लिया था, तो फर्स्ट केसेस में ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड में जो स्पीड ऑफ करेंट क्या हो जाएगा फिर वाई यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आंसर लिख देना, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मेन क्या है, देखो आपको बस कंसेप्ट क्लियर करके इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म हो गया दैट मीन्स फिर तो आप सॉल्व भी कर लोगे, क्योंकि हमें मेथड तो सभी पता है। तो इक्वेशन आपको पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, यही मेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ कि 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men दोनों मिलके, 2 women 5 men दोनों मिलके किसी एक काम को, एम्ब्रॉयडरी के किसी एक काम को 4 days में कंप्लीट करता है, 4 days में कंप्लीट करता है। ओके, नो प्रॉब्लम। वाई 3 women एंड 6 men ये दोनों मिलके, ये 3 women और 6 men ये सब मिलके उसी काम को 3 days में कंप्लीट करता है। ठीक है, टोटल काम को हम 1 मान सकते हैं कि पूरे टोटल यहाँ पे जो वर्क है उसको ये मिलके 4 days में, इस केसेस में 3 days में कंप्लीट करता है, ये आपको दे दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी एक महिला इस पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकती है, ये आपके पास क्वेश्चन है। और किसी एक पुरुष वो पूरे काम को, यहाँ पे जो होल वर्क है उसको कितने डेज में कर सकता है, अगर वो अकेला अकेला करे,
एक यहाँ पे जो महिला है और एक जो पुरुष है, वो अगर आखिर कोई उसके साथ कोई नहीं है तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले तो वो क्लियर करो, उसके बाद तो आप सोल्यूशन हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिर लेट कर क्या कर लेना है, आपको लेट कर लेना है कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन, इस तरह से लेट कर लेना है कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन, क्या हम मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं, अच्छा टू कंप्लीट द होल वर्क, ये भी हम ऐड कर देते हैं कि टू कंप्लीट द होल वर्क, टू कंप्लीट द होल वर्क बी एक्स। तो क्या हो गया इसका मीनिंग कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन टू कंप्लीट द होल वर्क बी एक्स, तो हमने मान लिया कि एक्स दिन में एक महिला पूरे काम को कंप्लीट वो कर सकती। सिमिलरली लेट द ना एक एक सेम लिखना, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन की जगह यहाँ पे मैन टू कंप्लीट द होल वर्क बी वाई। ठीक है, यह हमने मान लिया। अब देखो जो कंसेप्ट है उसको हम आप क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद है कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डेज में महिला के केसेस में कि एक्स डेज में जो पूरा होल वर्क को हमने वन मान लिया तो ये फुल होल वर्क वन वो कंप्लीट कर सकती है एक्स डेज में। ठीक है, एक महिला एक वोमन एक्स डेज में पूरे होल वर्क को कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, तो फिर वो एक दिन में कितना काम करती है वो हम निकाल लेते। ठीक है, वो एक दिन में एक महिला कितना काम करती है वो हम निकाल लेते। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाओ, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं धीरे धीरे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अच्छे से क्लियर करो। हमने क्या यहाँ पे हमने अभी तक जरा की एक वुमन तो एक एक्स डेज में हमने मान लिया कि एक्स डेज में पूरे जो होल वर्क है उसको कंप्लीट कर सकती है। तो मैं पहले निकाल रही हूं कि एक दिन में एक वुमन कितना काम करती है, एक्स डेज में इतना काम करती है, एक्स डेज में इतना काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी वन बाय एक्स इतना काम कर सकती है, एक वुमन एक दिन में इतना काम कर सकती है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं है, एक्स डेज में अगर इतना काम कर सकती है तो एक दिन में क्या करता है एक्स, जस्ट इसके नीचे आ जाते हैं, ये तो हमारा रूल है, एक्स इसके नीचे आ जाएगा, एक्स डेज में अगर ये इतना काम करती है तो एक दिन में वन बाय एक्स इतना काम कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केसेस में यहाँ पे क्या लिखा है देखो, टू वुमेन, तो एक दिन में एक वुमेन अगर इतना काम करती है तो एक ही दिन में दो वुमेन टू वुमेन अगर मिलकर काम करेगी तो कितना काम होगा यहाँ पे टू बाय एक्स। क्लियर हो रहा है, कम से कम अच्छे से क्लियर करो। सो एक दिन में दो टू वुमेन मिलके इतना काम कर सकती है। फर्स्ट केसेस में क्या बताया कि होल काम को ये कितने डेज पे कंप्लीट हुआ, फोर डेज में, तो टू वुमेन फोर डेज में कितना काम करेगी, टू वुमेन वन डेज अपने मैंने नहीं लिखा, फोर डेज में टू वुमेन कितना काम कर सकते एट बाय एक्स, फोर जस्ट मल्टीप्लाई हो गया एट अपॉन एक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो मेन का केसेस है उसमें आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक मैन एक दिन में नहीं, हमने क्या मान लिया था वाई डेज में होल वर्क को कंप्लीट कर सकता है। ठीक, तो उसी तरह इसके केसेस में हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक दिन में एक पुरुष कितना काम करता है वन अपॉन वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या कहते हैं फाइव, तो एक दिन में फाइव मैन कितना काम करेगा फाइव अपॉन वाई, एक दिन की जगह फोर डेज कर देंगे तो फोर डेज में कितना काम होगा फाइव फोर जा ट्वेंटी बाय वाई। यहां तक क्लियर हुआ, तो देखो अब ये जो वर्क है दिस प्लस दिस क्वेश्चन में बता दिया कि टू वोमेन फाइव मैन चार दिन काम करके होल वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दैट मीन्स ये जो वर्क है जो दो वोमेन ने फोर डेज किया था ये जो वर्क है और फाइव
फाइव में ने फोर डेज किया था, ये जो वर्क है दोनों मिला के ही तो वन है, दोनों मिला के ही तो होल वर्क है। कंडीशन किस तरह से लेकर आ रही है ये अच्छे से क्लियर करना है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, बाय द गिवन कंडीशन हम लिख सकते हैं कि 8 अपॉन एक्स प्लस 20 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, कि ये जो वर्क है और ये जो वर्क है दोनों मिला के 1 हो गया। क्लियर हुआ। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन फिर किस तरह से बनेगा, ये तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड वाला केसेस देखो, यहाँ पे जो थ्री वुमेन और सिक्स मैन थ्री डेज में काम को कम्प्लीट कर दी, तो वो किस तरह से होगा फिर। थ्री वुमेन, तो यहाँ पे हमें क्या पता है कि एक वुमेन एक डेज में होल वर्क कम्प्लीट कर सकती है। सो एक दिन में एक वुमेन 1/x इतना काम करती है। सो एक ही दिन में थ्री वुमेन 3/x इतना काम करती है, और सिक्स थ्री डेज, यहाँ पे डेज क्या है, थ्री डेज काम करके होल वर्क कम्प्लीट हो, तो थ्री डेज में थ्री वुमेन 3×3=9/x इतना काम वो कर सकती है। और यहाँ पे देखो सिक्स मैन के केसेस में फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते कि हमें क्या पता है एक एक पुरुष y दिन में वो होल वर्क कम्प्लीट कर सकता है। सो वन डेज में यहाँ पे एक मैन 1/y इतना काम करता है। सो वन डे में यहाँ पे सिक्स मैन कितना काम करेगा, 6/y। वन डे के जगह थ्री डेज में सिक्स मैन कितना काम करेगा, 3×6=18/y। तो यहाँ पे फिर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फिर क्या होगा, ये जो काम है और ये जो काम है दोनों मिला के होल वर्क, दैट मीन्स 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1, या आपका सेकेंड इक्वेशन है 9/x प्लस 18/y सेकेंड इक्वेशन। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बट ये देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई क्या है, डिनोमिनेटर में है नीचे। तो सबसे पहले जो आप एक्सरसाइज आपका 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 में जो जितने भी क्वेश्चन थे वो क्या था, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके फर्दर आपको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से पहले तो लीनियर इक्वेशन में आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने, तो किस तरह से हम करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो वो लेट करने से क्या हो जाएगा, प्रोसेस सबको पता है आई थिंक, अपने प्रीवियस वीडियो में अब देख चुके हैं वो प्रोसेस। तो क्या होगा, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा, 1/x की जगह हम यू लिखते हैं, दैट मीन्स 8u + 20v इज इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन 9u + 18v इज इक्वल टू 1। अब इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व करूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला केसेस यहाँ से पूरा मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं, क्या है ये 8u + 20v - 1 इज इक्वल टू 0, 9u + 18v - 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सो आप जान चुके हैं, सो अगर आपको नहीं पता है तो अभी चैनल पे विजिट करो, करके प्लेलिस्ट चेक कर देखो, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे देखो किस तरह से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, u/v/1। सो u/ क्या होगा, u को आप हटा दो, दिस माइनस दिस 20 × -1 - 20 - वही तो होता है अपना, 10 कर दो पहले नीचे रखो, दिस माइनस दिस 18 × -1 - 18, एक माइनस ऑलरेडी है तो +18 होगा। नेक्स्ट केसेस में पहले एक माइनस लगा देना है, तो इसको आप यहाँ पे हटाओ, दिस माइनस दिस तो 8 × -1 - 8 - 9 × -1 तो वो +9 में चेंज हो गया। नेक्स्ट 1 के केसेस में इसको हटा दो, दिस माइनस दिस तो 18 × 8 क्या होगा, 144 - 20 × 9 = 18 - 1 = 18। सो क्या हो जाएगा फिर, u/-2, v/-1 and 1/4, 34 - 36 तो यहां से u का वैल्यू हो गया -2/-36, -1 कैंसिल, दैट मीन्स 1/18, एंड v का वैल्यू हो गया -1/-36, दैट मीन्स 1/36, ठीक है। सो ये u v का वैल्यू है, x y नहीं आया, x y हमने क्या मान लिया था कि 1/x इज इक्वल टू u
एंड वन बाई वाई इज इक्वल टू बी, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 18 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो x हमने क्या मान लिया था, क्वेश्चन याद है कि हमने मान लिया था कि लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन टू कंप्लीट द होल वर्क बी x, तो वो हो जाएगा 18 डेज में एक वुमन होल जो कंप्लीट वर्क को वो कर सकती है, और यहाँ पे पुरुष के केसेस में 36, तो आंसर लिख देना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं, तो एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करो, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर। क्वेश्चन के साथ ही मैं यहाँ पे इसके साथ क्या क्या यहाँ पे कह रहे हैं वो भी मैं आपको समझाते हुए जा रही हूँ। देखो फर्स्ट केसेस में कहा, थर्ड क्वेश्चन कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, ठीक है 300 किलोमीटर। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो। हर होम पार्टली 300 किलोमीटर उसने कवर किया पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, ठीक है। कुछ केसेस में थोड़ा सा उसने ट्रेन से कवर किया और बाकी उसने बस में कवर किया। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। 60 किलोमीटर मान लो यहां से यहां तक है 60 किलोमीटर, या अगर उसने बाय ट्रेन से यहाँ पे ये डिस्टेंस कवर किया और बाकी बस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा टोटल 360 यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। अगर बस से कवर किया तो टोटल टाइम उसको क्या है, सी टेक्स 4 आवर्स, चार घंटे में 4 आवर्स में उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में क्या कह रहा है, देखो इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 1 है। केस 2 आपको क्या कह रहे, डिस्टेंस वही है 300। इस केसेस में कह रहे कि अगर 100 किलोमीटर यहां से यहां तक, मान लो 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से कवर किया और बाकी बस से, दैट मीन्स 200 किलोमीटर अगर बस से कवर किया, तो टोटल टाइम क्या है, देखो सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, इससे 10 मिनट ज्यादा, तो 10 मिनट्स, 10 मिनट मतलब क्या है, इसको आवर में चेंज करोगे, घंटे यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो तो ये आवर में चेंज हो गया 1/6 आवर, क्योंकि ये आवर में है ना, तो फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, जो पहले आपका समय था 4 आवर उससे 1+6 इतना आवर उसको ज्यादा समय लगी, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट्स मतलब उसको आवर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करना है, फर्दर उसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करोगे, पहले लेट क्या कर लोगे देखो। अच्छा क्वेश्चन में मैं जो आपका लास्ट लाइन जो है वो पढ़ लेती हूँ कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बाय बस सेपरेटली। तो इस ट्रेन में क्या स्पीड है, बस में क्या स्पीड है, वो आपको मान लेना है। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस बी 5 किलोमीटर पर आवर, ये तो हम मान सकते हैं। अब देखो इसको हम किस तरह से सॉल्व करें, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट केसेस में, जो ट्रेन के केसेस में केस वन में देखो, 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, क्या है वो लड़की, क्या है वहां पे रूही, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ पे जो ट्रेन है फर्स्ट केसेस में ट्रेन में, तो 60 किलोमीटर कवर करना है उसे, 60 किलोमीटर कवर करने में समय कितना लगा होगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, टी इज इक्वल टू समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगा होगा, तो डिस्टेंस तो 60 और स्पीड क्या है, ट्रेन का स्पीड हमने एक्स मान लिया, दैट मीन 60 अपॉन एक्स, नो डाउट। सिमिलरली 240 किलोमीटर बस में कवर करने के लिए कितना समय लगा होगा, डिस्टेंस तो 240 और बस का जो स्पीड है वो y, तो दिस टाइम प्लस दिस टाइम इज इक्वल टू 4 आवर, ये क्वेश्चन में बता दिया, इक्वेशन फॉर्म हो गया, कुछ है क्वेश्चन में बस, ये फर्स्ट केसेस में। और केस टू में क्या है, 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन में से 100 किलोमीटर, ट्रेन से 100 किलोमीटर कवर करने के लिए समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 कवर करना, स्पीड ट्रेन का है x, ये समय लगा, प्लस बस में समय कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 200 और यहाँ पे स्पीड y, तो ये जो टाइम ये मिला के हो गया आपका ये 4+1/6। अब इस तरह से लिख दो, बाद में कैलकुलेशन कर देंगे। इक्वेशन आपके पास आ गया, अब इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। फर्स्ट केसेस में देखो 4 से 2 से 2 2 से
वन टू जीरो, टू से थर्टी, अगेन टू से सिक्सटीन, टू से फिफ्टीन, दैट मीन्स फिफ्टीन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे कितना हुआ सिक्सटी, सिक्सटी अपॉन वाई इज इक्वल टू वन। सेकेंड केसेस में इसको पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, फोर सिक्स ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव, तो 25 बाई 25 से पूरा चला जाएगा, 25 फोर 100 और 25 एट 200, दैट मीन्स 4 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। दो इक्वेशन आपके पास है लेकिन ये आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो पहले आपको वही 1 बाई एक्स इक्वल टू यू और 1 बाई वाई इक्वल टू भी पुट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना फिर सॉल्व करना, तो ये आप कर सकते हो आई थिंक, आपको तो प्रोसेस पता है, आप कर लोगे। श्योर, ओके, चलो फिर टाटा, ओके।